अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। जाओ आते किस विषय को लेकर ज्ञापन देने आए और क्या मांगे आपकी? जो ग्राम भागसेरा में 23 तारीख के दिन एक घटना 24 तारीख के दिन एक घटना हुई है, उस घटना के संबंध में ग्राम भागसेरा के सरपंच का असत्य आधारों पर हरिजन एक्ट में और सोनकच्छ थाने पर एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिसकी जानकारी उन लोगों को मिली थी। उस संबंध में पूरे समाज के लोगों को संगठित करके बताया गया कि घटना के समय घटना फरियादी के साथ में सरपंच ग्राम दिलीप सिंह जी जो है नागर, उनके पिताजी बाबूलाल जी, उनके भाई जितेन जी और गाँव के और उनके परिवार के 3-4 लोग, उनके 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। उस संबंध में जो है कि फरियादी द्वारा असत्य आधारों पर SP साहब को भी ज्ञापन दिया और वो रिपोर्ट की हुई है, वो भी असत्य आधारों पर की गई है। उसकी निष्पक्ष जांच कराने के लिए हमने जो है कि आज SP साहब को ये ज्ञापन देने के लिए समाज के 40 क्षेत्र से विमल जी नागर है, राजेश जी धाकड़ जिला अध्यक्ष है, मदन सिंह जी धाकड़ सोनकच्छ जनपद के उपाध्यक्ष हैं, ये सब लोग गाँव के सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं ताकि उक्त प्रकरण की फरियादी द्वारा आरोपी जन के विरुद्ध की गई अभियुक्त गण के विरुद्ध जो की गई है शिकायत और रिपोर्ट उसकी निष्पक्ष जांच हो सके, ताकि वो घटना स्थल पर मौजूद ही नहीं थे और उनके द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गई। अभी आपकी DSP मैडम से चर्चा हुई तो क्या आपको अभी उन्होंने आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो जो बिंदु आपने हमें बताया उन बिंदु की निष्पक्ष तरीके से हम जाँच करेंगे और जाँच करने के पश्चात जो भी वाकई में उचित कार्रवाई होगी, अगर उसके द्वारा फरियादी द्वारा झूठी रिपोर्ट की है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने हमें स्वस्थ किया है कि अगर मान लो इस प्रकार की कोई घटना जिन लोगों के नाम रिपोर्ट हुई है उन लोगों के द्वारा नहीं की गई है तो निश्चित है उचित कार्रवाई की जाए, उन लोगों को बाहर किया जाए। मैं मुकेश भंडारी एडवोकेट देवास में वकालत करता हूँ, भाकर समाज में शिक्षा समिति का सचिव हूँ। लेकिन ज्ञापन देने आए थे और क्या पूरा मामला था यह? अभी कोई जो धाकड़ समाज के लोगों ने ज्ञापन दिया है तो उनका पूर्व से जो भी रंजिश लड़ाई झगड़ा चल रहा है उसमें जो रिपोर्ट हुई है तो उसमें वैधानिक कार्रवाई के संबंध में ज्ञापन दिया तो जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कहाँ से आए थे मैडम ये लोगों? सुनकर भाम दरा से आए थे।